कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस में, जहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इवान की बेटी की शादी हो रही थी। दुल्हन ने अपने पिता इवान को हर एक चीज के लिए शुक्रिया कहा और फिर नाच गाना शुरू हो गया। तभी विंसेंट नाम का एक आदमी वेटर का भेष बनाए हुए अंदर आया और सबके ग्लास में शराब डालने लगा, पर अचानक शराब गलती से इवान पर गिर गई। वेटर ने फटाफट उसकी शर्ट से शराब साफ की और जल्दी से वहां से निकल गया। पर तभी अचानक सबने देखा कि विंसेंट ने इवान का गला काट डाला था। जब तक गार्ड्स ने ये देखा, तब तक तो विंसेंट किचन में भाग गया था। जैसे ही गार्ड्स ने उस पर हमला किया तो उसने सबको मौत के घाट उतार दिया और वहां से ऐसे निकल गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद हम रोलैंड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी कोमा में चली गई थी और वो अस्पताल में उसका ख्याल रख रहा था। असल में रोलैंड भी एक सीरियल किलर था और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि उसने पुलिस के ड्रग डील्स में शामिल होने की खबरें फैला दी थी। अब पुलिस इंटरपोल एजेंट विल्सन बहुत गुस्से में था, क्योंकि रोलैंड की वजह से उनके भ्रष्टाचार की खबरें पूरे मीडिया में फैल गई थी। विल्सन ने अपने एजेंट्स गॉडफ्रे और शेल को कैसे भी करके फ्लिंट को ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। तब गॉडफ्रे और शेल ने फ्लिंट का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने पोलो नाम के एक माफिया गैंगस्टर को जेल से रिहा करवाने का फैसला किया, क्योंकि पोलो ही वो आदमी था जिसने फ्लिंट के घर पर हमला करके उसकी पत्नी का बलात्कार किया था, जिससे वो कोमा में चली गई थी। गॉडफ्रे और शेल जानते थे कि पोलो के रिहा होते ही फ्लिंट उसे मारने जरूर आएगा और उसी समय वो उसे धर दबोचेंगे। उधर यूक्रेन में फ्लिंट लकड़ियां काट रहा था कि उसकी पत्नी की नर्स ने उसे बताया कि शहर में एक फॉरेनर आया है जो उससे मिलना चाहता है। कुछ समय बाद फ्लिंट इस आदमी से मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि ये आदमी तो उसका पुराना जानकार था। वो चाहता था कि फ्लिंट पोलो को मार डाले और इसके बदले वो फ्लिंट को $1,000,000 देने को तैयार था, मगर फ्लिंट ने इस बात से इनकार करते हुए उसे वापस लौट जाने को कहा। इधर फ्रांस में विंसेंट इवान को मारने के लिए नेल बैंडियन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा। असल में यही वो आदमी था जिसके कहने पर विंसेंट ने इवान का कत्ल किया था। काम पूरा होने पर नेल बैंडियन ने बदले में उसे डायमंड्स दिए और अगले मिशन के बारे में बताया। वो चाहता था कि विंसेंट माफिया गैंगस्टर पोलो की जान ले और इसके बदले में उसे 2 गुने डायमंड्स दिए जाएंगे। आखिरकार विंसेंट राजी हो गया और फिर जल्द ही पोलो को रिहा कर दिया गया। उधर फ्लिंट को बार बार याद आ रहा था कि कैसे पोलो ने उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ वो दुष्कर्म किया था और वो कुछ नहीं कर पाया। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गया। उधर विंसेंट अपने घर लौटा तो उसने देखा कि साथ वाले घर में एक आदमी और अक्टूबर नाम की एक लड़की रहने आए थे। खैर बाद में विंसेंट ने अपने डायमंड्स तिजोरी में रख दिए। इधर रात को फ्लिंट को दोबारा वही सपना आया जहां पोलो की बदसुलूकी की वजह से उसकी पत्नी कोमा में चली गई थी। तब उसने गुस्से में आकर उसी आदमी को फोन करके कहा कि वो पोलो की जान लेने को तैयार है, पर उस आदमी ने बताया कि अब ये काम किसी और को दे दिया गया है। मगर फ्लिंट कहने लगा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपना बदला लेना है। फिर अगले दिन उसने अपनी पत्नी के सामने कैमरा लगाया ताकि वो उसकी खबर रख सके और अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। उधर विंसेंट ने पता लगाया कि पोलो म्युनिसिपल कोर्ट में आने वाला है। वहीं फ्लिंट तक भी ये खबर पहुंच गई थी और वो दोनों ही पोलो की जान लेने के लिए तैयार बैठे थे। फ्लिंट ने कोर्ट के सामने वाली बिल्डिंग से अपनी स्नाइपर राइफल का निशाना तैयार किया और पोलो के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पोलो बाहर आया तो उसने गोली चला दी, मगर उसी वक्त अचानक विंसेंट अपनी वैन लेकर उसके आगे आ गया, जिससे विंसेंट के तीर का निशाना भी चूक गया और वो पोलो के भाई डांटे को जा लगा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, पर फ्लिंट गुस्से में पोलो को सामने से मारने निकल पड़ा। उसी समय गॉडफ्रे ने पीछे से उसकी बाजू पर गोली चला दी, मगर इससे पहले कि वो फ्लिंट को पकड़ते, फ्लिंट तुरंत वहां से भाग निकला। इधर पोलो को अपने भाई डांटे की मौत से गहरा सदमा लगा था। उसने अपने गुंडों से इस हमले के पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द ढूंढने का हुक्म दिया, ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। वहीं दूसरी ओर फ्लिंट डॉक्टर से अपनी बाजू में लगी गोली निकलवा रहा था। उधर विंसेंट जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी अक्टूबर को बुरी तरह पीट रहा था। फिर उसने अक्टूबर से कहा कि अगर वो चाहे तो कुछ समय तक उसके घर में रह सकती है। उसने अक्टूबर को कुछ भी छूने से मना किया। फिर कुछ समय बाद उसे नेल बैंडियन का फोन फिर से आया और उसने विंसेंट को जल्द से जल्द पोलो को मारने का मिशन पूरा करने को कहा।
फिर उसने विंसेंट को पोलो का पता बताया और विंसेंट तुरंत पोलो को मारने निकल गया। मगर इस बार भी फ्लिंट उससे पहले ही लोकेशन पर पहुंचा हुआ था और उसने पोलो के सभी गुंडों को मार गिराया। इसके बाद वो बिल्डिंग में घुसकर पोलो को ढूंढने लगा, पर अचानक विंसेंट भी वहां आ पहुंचा और उसने फ्लिंट पर हमला कर दिया क्योंकि वो उसके काम में अड़चन पैदा कर रहा था। दोनों सीरियल किलर्स में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, मगर कोई किसी से कम नहीं था। अंत में दोनों एक दूसरे पर बंदूक के ताने खड़े हो गए, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक ही लेवल के खिलाड़ी हैं और वो चाहकर भी एक दूसरे को नहीं हरा सकते। तब फ्लिंट ने कहा कि वो यहाँ सिर्फ पोलो को मारने आया है और इसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने विंसेंट को अपने बदले की कहानी बताई कि कैसे पोलो और उसके गुंडों ने उसकी पत्नी की ये हालत कर दी। विंसेंट को एहसास हुआ कि उनका दुश्मन एक ही है, इसीलिए आपस में लड़ने की बजाय उन्हें मिलकर ये मिशन पूरा करना चाहिए। इस तरह फ्लिंट का बदला पूरा हो जाएगा और विंसेंट को इनाम के हीरे मिल जाएंगे। साथ ही उन्होंने सोचा कि अगर वो मिल जाए तो पोलो और उसकी गैंग का सफाया आसानी से कर सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और फिर विंसेंट फ्लिंट के साथ बार्टोक नाम के एक आदमी के पास गया जो पोलो को हथियार बेचा करता था। फ्लिंट ने बार्टोक के सर पर अपनी बंदूक तान कर उसे पोलो का पता बताने को कहा। पता जानने के बाद अचानक विंसेंट ने बार्टोक को गोली मार दी, जिससे फ्लिंट को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पोलो के अलावा किसी को नहीं मारना चाहता था। विंसेंट ने कहा कि तो मुझे पहले बता देता। खैर, फिर उन्होंने मिलकर वहां से कई सारे हथियार उठाए और चुपचाप निकल गए। उधर पोलो को खबर मिली कि उसके भाई का हत्यारा विंसेंट है। तब उसने अपने सभी गुंडों को किसी भी हालत में विंसेंट को ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। इधर विंसेंट ने घर लौटकर देखा कि अक्टूबर अब भी वहीं थी। वो उसके पेट टर्टल को सहला रही थी, जिस वजह से टर्टल जाग गया। फिर अक्टूबर ने उसे भी टर्टल को सहलाना सिखाया। वहीं दूसरी ओर फ्लिंट का वही दोस्त उससे मिलने आया जिसने शुरुआत में उसे पोलो को मारने को कहा था। उसने फ्लिंट से कहा कि वो घर जाकर अपनी पत्नी का ख्याल रखे, जबकि विंसेंट पोलो को मारने का मिशन पूरा कर लेगा। पर फ्लिंट ने कहा कि वो सिर्फ पोलो से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि उसकी दुश्मनी पुलिस ऑफिसर्स विल्सन और उसके एजेंट्स के साथ भी है, जो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। तब फ्लिंट गुस्से में आकर विल्सन के घर पहुंचा और उसे बंदूक से धमकी देते हुए कहा कि अगर उसके आदमियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अगले दिन विल्सन बहुत गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचा क्योंकि फ्लिंट ने उसे घर में घुसकर धमकी दी थी। उसने गॉडफ्रे और शेल को 48 घंटे के अंदर फ्लिंट का सर काटने का हुक्म दिया। अब गॉडफ्रे और शेल को खबर मिली कि पोलो अपने गुंडों के साथ विंसेंट का पता लगाने नेल बैंडियन के पास जा रहा है। तब उन दोनों ने भी वहां जाकर पोलो और उसकी गैंग से हाथ मिला लिया ताकि वो मिलकर फ्लिंट को पकड़ सकें। गॉडफ्रे ने कहा कि अगर पोलो ने उसकी मदद की तो उसे उम्र भर की सुरक्षा मिलेगी। ये सुनते ही पोलो राजी हो गया। फिर पोलो ने नेल बैंडियन को दोगुने पैसे देकर विंसेंट का पता पूछा। वहीं नेल बैंडियन ने विंसेंट को 3 गुना हीरों का लालच देकर अपने साथ मिलकर फ्लिंट को फंसाने का ऑफर दिया। उसने कहा कि पुलिस पोलो को सिटी हॉल में लाएगी और फ्लिंट उसे मारने के लिए वहां जरूर आएगा और तब पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 गुना हीरों की बात सुनकर विंसेंट भी फ्लिंट को धोखा देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद विंसेंट फ्लिंट से मिलने गया और उसे कहा कि कल पोलो सिटी हॉल में आने वाला है। उसने फ्लिंट से कहा कि वो दोनों मिलकर वहां जाएंगे और पोलो का खात्मा करेंगे। अगली सुबह विंसेंट और फ्लिंट अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़े और अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए। जब फ्लिंट पोलो को गोली मारने ही वाला था तो अचानक पोलो के गुंडों ने पुलिस एजेंट्स के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। फ्लिंट ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर इतने गुंडों के सामने वो टिक नहीं पाया और गुंडे उसे घसीट कर ले गए। तब उसे एहसास हुआ कि विंसेंट ने ही अपने फायदे के लिए उसके साथ विश्वासघात किया था। खैर, अब काम पूरा होने पर विंसेंट ने नेल बैंडियन से हीरों की मांग की। हीरे मिलते ही उसे पोलो का फोन आया तो पता चला कि पोलो ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसके घर में घुसकर अक्टूबर को बंदी बना लिया था। ये सुनते ही विंसेंट फटाफट अपने घर पहुंचा, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कि अक्टूबर की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इससे विंसेंट को बहुत गहरा सदमा लगा और वो गुस्से में नेल बैंडियन के पास गया और उसके हीरे लौटा दिए। फिर उसने नेल बैंडियन से पूछा कि उन पुलिस एजेंट्स ने फ्लिंट को कहां छुपा रखा है। उधर गॉडफ्रे और शेल एक पुरानी फैक्ट्री में फ्लिंट को बुरी तरह पीट कर उससे ड्रग डील्स के पैसे वापस मांग रहे थे। फ्लिंट ने उन पर हंसते हुए कहा कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर वो और भड़क गए और फ्लिंट की जान लेने को तैयार हो गए। लेकिन ऐन वक्त पर विंसेंट वहां आ पहुंचा और उसने गॉडफ्रे और उसके आदमियों पर धुआंधार गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला।
आखिरकार विंसेंट ने फ्लिंट को धोखा देने के लिए उससे माफी मांगी और कहा कि अब पोलो से बदला लेने में वो उसकी पूरी मदद करेगा। फ्लिंट ने भी विंसेंट को कुछ नहीं कहा और उसे माफ कर दिया। फ्लिंट जानता था कि पोलो उसकी पत्नी एना पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसने एना की नर्स को फोन करके कहा कि वो एना को कहीं दूर ले जाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पोलो और उसकी गैंग घर में घुस गई थी और उन्होंने एक ही झटके में एना की नर्स को मार गिराया। फ्लिंट को समझ आ गया कि पोलो उसके घर में घुस आया है, इसीलिए उसने विंसेंट को जल्द से जल्द वहां चलने को कहा। अगली सुबह वो फ्लिंट के घर पहुंच गए, पर पोलो और उसकी गैंग पर हमला करने से पहले उन्होंने एक प्लान बनाया, लेकिन तभी पोलो ने फ्लिंट को एक वीडियो भेजी जिसमें उसने एना को बंदी बना लिया था और उसने कहा कि अगर फ्लिंट ने 15 मिनट में खुद को पोलो के हवाले नहीं किया तो वो एना को जान से मार देगा। अब फ्लिंट और विंसेंट के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो हाथ खड़े करके पोलो और उसकी गैंग के सामने आ गए। तब पोलो ने अपने गुंडों से फ्लिंट को मारने के लिए कहा, पर तब ये खुलासा होता है कि उन दोनों ने बाहर से लेटेस्ट लेजर राइफल निशाने पर लगा रखी थी और वो खुद रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते थे। फ्लिंट और विंसेंट ने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पोलो के सभी आदमियों को लेजर राइफल की मदद से मार डाला। आखिरकार फ्लिंट ने पोलो की गर्दन पर चाकू रखकर उसे एना से माफी मांगने को कहा। फिर अंत में उसने बड़ी ही बेरहमी से पोलो को भी खत्म कर दिया। इसके बाद फ्लिंट ने पुलिस ऑफिसर विल्सन की जान लेकर अपना बदला पूरा किया और वहीं विंसेंट ने अक्टूबर की याद में मोमबत्तियां जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी। तो आपके हिसाब से एक रेपिस्ट को क्या सजा दी जानी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।